नमस्कार साथियों, आज उपस्थित हुए हैं आपके सामने एक विषय को चर्चा को लेके। ये चर्चा है एमबीबीएससी 2025 को लेके, एमबीबीएससी 2025 की रणनीति कैसी होनी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी का जो समय है, इस समय पे जब प्रीलिम्स का एग्जाम की अभी डेट और नोटिफिकेशन नहीं आया है, मेंस के एग्जाम की डेट और नोटिफिकेशन नहीं आई है, जो प्रीलिम्स का एग्जाम संभवतः होगा अगले मार्च और अप्रैल के महीने में, हो सकता है कि पहला हुआ तो फरवरी के महीने में, और उससे लगभग 2 से 3 महीने के बाद मेंस का एग्जाम प्रपोज है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब प्री और मेंस के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, मुश्किल से उसमें 3 या 4 महीने का गैप मिलता है। तो 3 या 4 महीने का गैप मिलता है तो हम अगला एग्जाम जो 2025 में देने वाले हैं, वो 2025 के एग्जाम की क्या रणनीति रखें, किस प्रकार से तैयारी करें, उसके लिए उपस्थित हुए हैं। तो उस रणनीति, जो भी अभ्यर्थी 2025 के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए आप मान के चलिए कि एक गोल्डन पीरियड है। यह गोल्डन पीरियड है। यह गोल्डन पीरियड क्यों चल रहा है? क्योंकि अगर आप पिछले कई सारे ईयर के अभ्यर्थियों को देखें, 2021 के बाद जिन्होंने तैयारी शुरू की, 2024 तक जो लगातार तैयारी कर रहे, उनके साथ एक बड़ी समस्या ये रही कि वो हमेशा प्री देते रहे, 1-2 महीने के इंटरवल से मेंस की तैयारी करते रहे, फिर प्री की तैयारी करते रहे, फिर मेंस की तैयारी करते रहे। इस तैयारी के क्रम में उनका जो बेस था, जो आधार था, वो बहुत अच्छे तरीके से निर्मित नहीं हो पाया। आधार निर्मित नहीं हो पाया तो जब वो प्री निकाल भी लेते हैं और मेंस में जाते हैं तो उतने अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। तो जो ये 6-7 महीने का आपको समय मिला है, कब से, ये जुलाई के महीने से दिसंबर तक के महीने का समय, इस महीने के समय में आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो ये फोकस होना चाहिए कि हमारी कितने बेहतर तरीके से हम मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेते हैं, साथ ही साथ थोड़ा बहुत प्री पढ़ लेते हैं, और जिससे जैसे ही हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम निकले तो हम मुख्य परीक्षा में सीधे सीधे अपीयर हो सकें और मुख्य परीक्षा को बहुत बेहतर तरीके से हम वहां पे अटेम्प्ट कर सकें, साथ ही साथ हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी हो कि हम डिप्टी कलेक्टर के पद पे सीधे सीधे चयनित हो सके। इसी उद्देश्य के साथ हम आपके साथ मिले हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यह है कि आपकी इस तैयारी में मदद कर सके। इस तैयारी में मदद करने के लिए हमारा एक प्रोग्राम है जिसको हम DAWP या डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। तो हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, ये खासकर ऐसे अभ्यर्थियों के लिए है जो अगले छह महीने में अपनी पूरी की पूरी प्री की तैयारी और साथ ही साथ जो मेंस की तैयारी को पूरा करना चाहते हैं, साथ ही साथ तैयारी करने के स्तर पे जो तैयारी के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, एमबीपीएससी की जो पूरी तैयारी होती है उस तैयारी के 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। ये बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? तो जब भी आप किसी चीज की तैयारी करते हो तो सबसे पहले एमबीपीएससी की तैयारी में आपके जो 3 बेसिक कंपोनेंट है वो है कि आपका सिलेबस पूरा कवर हो, आपका सिलेबस पूरा कवर हो। सिलेबस कवर करने का पैटर्न क्या है कि उसकी डेप्थ हो, जो आप पीवाईक्यू के आधार पर देखते हो कि पीवाईक्यू के आधार पर आपका सिलेबस पूरा कवर हो, सिलेबस के पूरे नोट्स बने हो, सिलेबस के पूरे नोट्स बने हो, और साथ ही साथ आपने उस नोट्स के साथ आपने क्या किया हो, प्रैक्टिस किया हो, उस नोट्स के साथ आपने प्रैक्टिस की हो। तो ये जो होता है वो एक सिलेबस का, वो एक प्रकार से एमबीपीएससी की तैयारी का बेसिक पैरामीटर है, जिसको है ना, सिलेबस, नोट्स और प्रैक्टिस में अपन बोलते हैं SNP, है ना। ये क्या है SNP? कि हम SNP को पूरी तरह से कर सके, चाहे वो प्री के स्तर हो, चाहे वो प्रीलिम्स का परीक्षा का स्तर हो, चाहे आपका मेंस के परीक्षा का स्तर हो। आप अगर ये तीनों चीजों को ध्यान रखेंगे तो शायद आप बहुत बेहतर तरीके से इसमें क्या कर सकते हैं, इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सिलेबस में कितनी डेप्थ होनी चाहिए, उस डेप्थ को अपन मेजर करते हैं PYQ से। दूसरा, जब तक आपका MBBSC की तैयारी में आपके स्वयं के नोट्स नहीं बने होंगे, आपने स्वयं से अपने नोट्स नहीं बनाए होंगे, तब तक आपकी वो तैयारी जो है वो अधूरी रहती है। और उस तैयारी में कितना ही पढ़ लो, कितना ही लिख लो, लेकिन अल्टीमेट तरीके से आपने खासकर मुख्य परीक्षा के स्तर पे अपनी प्रैक्टिस नहीं की तो आपको सफलता में वापस से बाधा होती है। मेरा क्या मानना है कि सिलेबस प्लस नोट्स का
आपकी सफलता में जो रोल है वो 50% के आसपास रोल है, और 50% के आसपास जो रोल है वो केवल प्रैक्टिस का है, जिसको हम आंसर राइटिंग के माध्यम से जानते हैं, आंसर राइटिंग के रूप में जानते हैं। तो ये पूरी एमपीपीएससी की तैयारी का मेथड होता है। अब एमपीपीएससी की तैयारी में अगर आप इसमें से किसी भी एक स्तर पर तैयार करो, आप केवल सिलेबस के बिंदु को तैयार करो, पहली बात तो ये, सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि सिलेबस को तैयार करने में हर एक टॉपिक हर एक बिंदु को आप कवर नहीं कर पाते हो, तो आप उसको अगर बेहतर तरीके से कवर नहीं कर पाए तो एक कमी है। दूसरा कि कवर करते समय आप पढ़ ले रहे हो सुपरफिशियल तरीके से, तो फिर कमी है। दूसरी बात क्या है कि हमें उसके नोट्स बने होना चाहिए, हमने स्वयं ने नोट्स बनाए हो, किसी दूसरे के नोट्स बनाए हो। तीसरी बात कि उसके बाद हमने क्या हो उसकी प्रैक्टिस की हो। तो ये तीन चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं तीन चीजों में मदद करने के लिए दर्पण सिविल सर्विसेज आपके लिए DAWP प्रोग्राम लाया है, और ये DAWP प्रोग्राम इस बार मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों को लागे चलाया गया, खासकर मुख्य परीक्षा पे आधारित है। इस प्रोग्राम में है क्या, तो डेली आपको आंसर राइटिंग करना होगा। आंसर राइटिंग करने के पहले आपको जो निर्धारित टॉपिक होगा उस निर्धारित टॉपिक को यहाँ पे क्या होगा, पढ़ना होगा। मतलब आप अपने स्तर पे क्या करेंगे, जो भी निर्धारित टॉपिक होगा उसका दिन भर आप स्टडी करेंगे, दिन भर वो निर्धारित टॉपिक के आपके क्या बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, आप उसको अपने स्तर पे नोट्स बनाएंगे, और अपने स्तर पे नोट्स बनाने के बाद आप प्रतिदिन के आधार पे उसकी आंसर राइटिंग करेंगे, प्रतिदिन के आधार पे आंसर राइटिंग करेंगे। ये प्रोसेस जब हम लगातार दोहराते रहेंगे तो धीरे धीरे हमारी तीनों स्तर जो है वो तीनों स्तर हमारी 100% तैयारी इसके माध्यम से कवर हो पाएगी। तो उसी को लेके और उसमें भी खासकर मुख्य परीक्षा को लेके दर्पण सिविल सर्विसेज के द्वारा यहाँ पे DAWP प्रोग्राम लाया गया है। DAWP प्रोग्राम के अंतर्गत क्या है, तो डेली आंसर राइटिंग होती है, प्रत्येक दिन आपको 1 घंटे की आंसर राइटिंग है, फिर डेली के बेसिस पे आपकी कॉपी का चेक हो करता है, डेली हर दिन आपकी कॉपी वो चेक करते हैं, आपको देखते हैं कि आप कहाँ पे कमी हो रही है, कहाँ पे बेहतर कर सकते हैं, किस स्तर पे आपको सुधार करना चाहिए, उसके आधार पर डेली आपको फीडबैक देते हैं, डेली उसके मॉडल आंसर आपको मिलते हैं जिससे आप अपनी कॉपी को अपडेट कर सके। साथ ही साथ फिर बीच में कंप्लीट 3 घंटे का टेस्ट होता ताकि आप अभी से एग्जाम के लिए तैयार हो सको, एग्जाम का जो 3 घंटे का लेखन है उसको तैयार कर सको। साथ ही साथ यहाँ पे प्री टेस्ट सीरीज को अपडेट किया गया, क्योंकि 2025 में जो एग्जाम देने वाले हैं उन सभी अभ्यर्थियों को प्री भी देना है, साथ ही साथ उनको मेंस की परीक्षा भी देना है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम लाया गया कि प्री भी कर सके। तो इसका मॉड्यूल क्या होता है, तो टोटल ये प्रोग्राम जो है वो आपका 22 जुलाई से चालू हो गया, 22 जुलाई से स्टार्ट हो गया, लगभग 31 दिसंबर तक का ये प्रोग्राम है, जिसमें कुल आपको 3 घंटे के 22 टेस्ट होंगे, अर्थात 22 सप्ताह तक हम लगातार 3-3 घंटे वाले टेस्ट लिखेंगे। साथ ही साथ हम प्री वाले 22 टेस्ट देंगे, जिसमें A to Z प्री का सिलेबस कवर होगा, A to Z प्री का सिलेबस कवर होगा, A to Z मेंस का सिलेबस कवर होगा। साथ ही साथ प्रतिदिन के कुल 110 दिन तक आप रोज लिख के मेहनत करोगे, रोज लिखोगे, रोज पढ़ोगे, रोज अपडेट करोगे। तो ये प्रोग्राम है, इसमें डेली के बेसिस पे प्रतिदिन 6 बजे से 7 बजे तक आंसर राइटिंग होती है, दिन में और रात में आप अपने स्तर पे पढ़ते हैं। 6 से 7 बजे तक अगर आप ऑफलाइन भोपाल में हैं तो हमारे सेंटर पे आके यहाँ पे लिखते हैं, अगर आप ऑनलाइन है तो अपने घर पे लिखते हैं। फिर उसके बाद 7 बजे से उसकी डिस्कशन क्लास होती है, जो मैं लेता हूँ या धीरेन्द्र सर लेते हैं या सोम सर, ज्यादातर कंडीशन में हम उस क्लास को लेते हैं, तो क्लास होती है, डिस्कशन क्लास होती है, फिर आपकी कॉपी पे क्या किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है। तो ये इसका मेथड होता है। इसमें आपको हर दिन के माइक्रो टॉपिक बताए गए हैं, जो प्लान बताया गया वो इस प्लान में दोनों चीजों का ध्यान रखा गया कि प्रतिदिन आप एक तो नया टॉपिक पढ़ें, साथ ही साथ प्रतिदिन आप एक पुराना टॉपिक पढ़ें, अर्थात आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप लगभग 6 से 7 घंटे इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस टॉपिक को पढ़ के अपना नोट्स बनाएंगे, इस टॉपिक को अपने पढ़ के नोट्स बनाएंगे, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा, और ये वाला जो टॉपिक है इसको आप रिविजन करेंगे, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं इसको कवर करके रखते हैं, तो इसको रिविजन करेंगे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे और इसके नोट्स बनाएंगे, और शाम को आके इस टॉपिक के आधे घंटे 30 मिनट के क्वेश्चन दिए जाएंगे, शाम को आके इसके 30 मिनट के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इन क्वेश्चन को आपको फिर क्या करना होगा, अटेम्प्ट करना होगा। तो एक तरफ पुराना सिलेबस, एक तरफ नया सिलेबस, तो एकदम से आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं होगा, और आप धीरे धीरे अपने
कि सब्जेक्ट को टॉपिक को कवर कर पाओगे, नोट्स बना पाओगे। तो हर दिन आपको एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो टॉपिक पढ़ेंगे आप, एक नया एक पुराना टॉपिक पढ़ेंगे, और इस प्रकार सप्ताह में अगर हम देखें तो पांचों दिन में आपका पूरी एक यूनिट, नई वाली यूनिट कवर हो जाएगी, एक पुरानी वाली यूनिट कवर हो जाएगी। और जब आपका जो संडे वाला दिन होगा तो संडे के दिन फिर आपका 3 घंटे का टेस्ट हो जाएगा। 1.5 घंटे का टेस्ट क्या हो जाएगा नए सिलेबस का, 1.5 घंटे का टेस्ट क्या हो जाएगा पुराने सिलेबस का। तो इस प्रकार आपका हम देखें तो पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस 2 यूनिट 1 वीक में होगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो 22 वीक में आपकी लगभग 44 यूनिट, 44 यूनिट में से अगर हम देखें तो 40 यूनिट तो आपकी पेपर 1 से लेके पेपर 4 तक, जीएस 1 से लेके पेपर 4 तक, और आपकी 4 मतलब जो है वो उसमें हिंदी के 2 पेपर साथ ही साथ निबंध के 2 पेपर आपको हो जाएंगे। तो आप 44 जो पेपर लिखोगे या 22 सप्ताह में जो 44 पेपर लिखोगे तो वो आपकी कंप्लीट तरीके से यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाएगी। प्री के टेस्ट के लिए हमने छोटे छोटे टॉपिक दिए, जैसे पहले वीक में अगर आप देखो तो पहले वीक में आप मेंस में क्या पढ़ रहे होगे, तो पहले वीक में आप यहाँ पे भारत का इतिहास हड़प्पा से लेके मौर्य काल तक, फिर मौर्य से लेके गुप्त काल तक, फिर अगर हम देखें राजपूत काल तक, फिर सल्तनत काल तक पढ़ रहे हैं और मुगल काल तक। तो लगभग इन्हीं टॉपिकों को, लगभग इन्हीं टॉपिकों को जो आप मेंस में पढ़ रहे होगे उसी के फैक्चुअल प्रश्नों को यहाँ पे प्री में पूछा जाएगा। तो आपका प्री का भी एक टॉपिक पूरा कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत डिटेल तरीके से बनाया गया है, है ना, डिटेल तरीके से बनाया गया और डिटेल तरीके से आपको कवर करने का वो पैटर्न इसमें दिया गया। अब इसमें होता क्या है, डेली कितने प्रश्न दिए जाते हैं, वीकली कितने प्रश्न दिए जाते हैं, एक बार उसको भी देखें। अगर आप इसको देखेंगे तो इसकी पीडीएफ फाइल आपको जो मिल जाएगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहां पे देख सकते हो कि भाई इसमें क्या क्या होता है। तो इसमें आप देखिए ये कब तक जा रहा है, आप आखिरी में देखेंगे तो ये पूरा आपका 29 दिसंबर तक जा रहा है, जिसमें आपके कंप्लीट पेपर होंगे। डेली 1 घंटे की इसमें आंसर राइटिंग होती है, 1 घंटे की आंसर राइटिंग में 30 मिनट की आंसर राइटिंग पुराने सिलेबस पे, ओल्ड सिलेबस पे अर्थात हिस्ट्री पॉलिटिक्स ज्योग्राफी, 30 मिनट की जो आंसर राइटिंग है वो एंटरप्रेन्योरशिप सोशियोलॉजी आपका, उसके बाद देखें तो उद्यमी, उसके बाद इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक पे 30 मिनट की आंसर राइटिंग होती है। प्रतिदिन आपकी कॉपी का एवोल्यूशन होता है, मॉडल आंसर दिए जाते हैं, सप्ताह में 3 घंटे का टेस्ट होता है और वीकली प्रीलिम्स का टेस्ट होता है। इसमें जो कॉपियां होती है वो सारी कॉपियां चाहे आप ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, आपको सारी कॉपियां हमारे द्वारा प्रदान की जाती है। प्रतिदिन कितने क्वेश्चन होते हैं, तो प्रतिदिन इसमें देखें तो 2 मार्कर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं, प्रतिदिन 7 मार्कर के 6 क्वेश्चन होते हैं, और 10 मार्कर या इथिक्स में 11 मार्कर उनके 2 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे। तो इनमें से 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन उद्यमिता के, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 3 क्वेश्चन उद्यमिता के, 1 हिस्ट्री के 1 उद्यमिता का, इसका सब डिविजन भी ये होगा। तो ये पैटर्न है, इस पैटर्न को अगर आप करते हो तो आपका अगले 6 महीने में वापस से बोल रहा है कि A to Z सिलेबस अर्थात मेंस का पूरा 1500 नंबर की तैयारी, 1500 नंबर की तैयारी का मतलब कि हर पॉइंट के आपको कवर हो जाएगा, उस पॉइंट के आपके नोट्स बन जाएंगे। साथ ही साथ अगर हम इसमें देखें तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, इसमें आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी। जब आपको अगले बार जब आप मेंस देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। अब इसका क्या पैटर्न होता है, तो इसका पैटर्न यह होता है कि इस प्रकार से आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा जाता है सारी कॉपी। मतलब यहाँ पे एक और चीज होती है कि इसमें एवोल्यूशन कई प्रकार का होता है। पहला, सबसे पहले तो आप आके लिख के जाते हो, लिखने के बाद हम उसके डिस्कशन क्लास लेते हैं, उसमें आप अपने कंटेंट को अपडेट करते हो, अगले दिन आप आते हो तो आपकी कॉपी को वापस से चेक करके उस पर फीडबैक देके आपको मिल जाती है। साथ ही साथ इसमें क्या करते हो, आपको पीयर कॉम्पिटिशन मिलता है, मतलब जो समकक्ष अभ्यर्थी है वो एक दूसरे की कॉपी देखते हैं, एक दूसरे की कॉपी देख के उससे क्या करते हैं अपनी चीजों को अपडेट करते हैं। तो ये आपका उसका पैटर्न होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये कॉपियां, ये टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको जोड़ा जाता है। टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ने के बाद आपको क्या करना होता है, अपनी सारी कॉपियां टेलीग्राम ग्रुप में ओपन तरीके से आती है, तो हर व्यक्ति एक दूसरे की कॉपी को देखता है, उससे सीखते हैं। उसके बाद ऑनलाइन वाले जो होते हैं उनको कॉपी इस प्रकार से आती है, ऑफलाइन वाले की कॉपी, सभी की कॉपी यहाँ पे रहती है, वो एक दूसरे की कॉपियों को देखते हैं, एक दूसरे की कॉपियों को सीखते हैं। लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए क्या पैटर्न होता है, तो आपको कॉपी हम हार्ड कॉपी के रूप में डिस्पैच करते हैं, स्पीड पोस्ट के माध्यम से वो आपके पास पहुंचती है, आप प्रतिदिन लिखते हो, स्कैन करते हो, वो कॉपी को स्कैन करके इस प्रकार से आप हमें भेजते हो, इस प्रकार से हमें भेजते हो। उसके बाद हम उसमें इस प्रकार से जो आप देख रहे हो वो कमेंट करके भेजते हैं। और पीयर कंपटीशन, जैसे आप देखोगे
तो इसी ग्रुप में आपको सर ये वाला ग्रुप, इसके अलावा एक और ग्रुप है उसमें आपको रेंक वन अंकिता पाटकर, एक ग्रुप वो जो होगा पुरानी कॉपियां उसमें आपको इस बार के एमबीबीएससी 2021 के रेंक टू अमित कुमार सोनी और कई सारे अभ्यर्थी इनमें आपको सीधे सीधे लिखते हुए मिलेंगे। जैसे नेहा शर्मा, नेहा शर्मा का चयन अभी 2021 में सीएमओ के पद पे हुआ है, ये सीधे सीधे उनकी कॉपी है कि वो कैसे लिख रही है। तो आप ऐसे कैंडिडेट जो लगातार चयनित हो रहे हैं या लगातार बेहतर कर रहे हैं उनके मार्क, उनके बीच में अपन क्या कर सकते हैं पीयर कॉम्पिटिशन। जैसे मैं कॉपी बताया तो ये नेहा शर्मा ये अभी जो चयनित हुई है वो सीएमओ के पद पे हुई है, और अगर हम देखेंगे तो इसमें कई सारे ऐसे और अभ्यर्थी होंगे जो लगातार अलग अलग पदों पे चयनित हुए हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कई सारे और चयनित अभ्यर्थियों की यहाँ पे आपको कॉपी मिल जाएंगी ढेर सारी। जैसे ये मुस्कान सोनी की कॉपी है, ये मुस्कान सोनी का चयन जो है वो सब रजिस्ट्रार के पद पे हुआ। तो ये सारे जो अभ्यर्थी हैं जो लिखते हैं अलग अलग पदों पे चयनित हुए, ऐसी ढेर सारी कॉपी इसमें मिल जाएंगी। जब थोड़ा सा और सिलेक्ट करना पड़ेगा तो अनेक जो टॉपर है जो लगातार सिलेक्ट हो रहे हैं उनकी कॉपी आप इसमें देखोगे तो उससे आपको क्या होता है थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, चीजों में सुधार आती है, और हर दिन आप देखते हो कि हम कैसे कैसे बेहतर कर सकते हैं उसको आप यहाँ से जान सकते हो। तो ये आपको मिलेगी। इनमें से लगभग 90% या 80% जो अभ्यर्थी है वो सब इंटरव्यू दिए हुए हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम थोड़ा सा रिग्रेसिव होता है, इसको वही व्यक्ति ज्वाइन करते हैं जिनका लगभग तैयारी पहले से हो गई हो, या जिनको अपने पे कॉन्फिडेंस होता है कि हम अपनी तैयारी को और बेहतर कर लेंगे। जैसे ये जो कॉपी है वो किसकी, नेहा प्रजापति की कॉपी है, ये एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुई। तो जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार यहाँ पे लिखते हैं, मेरा इनको बताने का ऑब्जेक्टिव केवल एक सिंपल ये है कि इससे आप पीयर कंपटीशन करते हो, पीयर कंपटीशन कि भाई आप क्या लिख रहे हो, आपके समकक्ष क्या लिख रहे हैं उसको जान पाते हो। खासकर ऐसे बच्चे जो दूर दराज के अंचलों में रहते हैं, जो कहीं पे जा नहीं सकते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं पता चलता कि भाई हम पढ़ कैसे रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, सही पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस प्रकार आप अपनी चीजों को यहाँ पे लगातार करते जाते हो। तो ये एक बेहतर माध्यम है, अगर आप इसके माध्यम से करना चाहते हो तो ये हर दिन कॉपी आएगी, हर दिन आपको जो कॉपी है वो हम चेक करके भेजते हैं, फिर आप उसमें लिख के भेजते हैं, और लिख के भेजने के बाद आपको यहाँ पे क्या होती है उस पर कमेंट कर दिया जाता है, ये डिस्कशन होता है। तो आपको हर दिन की डिस्कशन की लिंक आपको यहाँ पे मिल जाती है, एप्लीकेशन में भी इसको इंटीग्रेटेड किया हुआ है तो एप्लीकेशन पे भी आपको इसकी लिंक मिलती रहती है। फिर आपको प्रतिदिन का मॉडल आंसर मिलता है, तो ये मॉडल आंसर अगर आप देखोगे तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे क्या दिया जाता है, मॉडल आंसर दिया जाता है। और इस मॉडल आंसर के माध्यम से भी अगर आपको कोई कमी होगी तो पूरा कर सकते हो। ये जो पूरी सीरीज है वो पूरी सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, हिंदी के कैंडिडेट इसमें हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश के कैंडिडेट इसमें इंग्लिश में लिखते हैं, दोनों ही भाषाओं में ये पूरी पूरी सीरीज होती है। जैसे इस बार की रैंक वन अंकिता जो है वो लगातार लिखती थी तो वो इंग्लिश में लिखती थी, वो आपकी जो लिखती थी वो इंग्लिश में लिखती थी, बाकी जो साथी है वो हिंदी में लिख रहा है जैसे मैंने आपको बताया। तो आप इस प्रोग्रेस के माध्यम से या इस प्रोग्राम के माध्यम से बेहतर तैयारी कर सकते हो। अब ये प्रोग्राम आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके लिए एक फीस निर्धारित की गई है, वो फीस निर्धारित है कि इसकी टोटल जो फीस है वो 6 महीने के लिए 8,000 रुपये निर्धारित की गई थी, लेकिन अभी उसमें 6,000 रुपये में जो स्टार्टिंग के कैंडिडेट है उनको दिया जा रहा है। तो अगर इसमें आप डेली प्लस वीकली अगले 6 महीने के लिए लेना चाहते हैं तो आपको ये कुल मिलाकर 6,000 रुपये में मिलेगी, अर्थात 1,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आप उसको देख सकते हो। मतलब आप इस हिसाब से फीस आपको एक बार नहीं देना है, लेकिन आप यहाँ पे पूरा 6 महीने के लिए तैयारी करोगे, आप केवल वीकली जो मेंस का टेस्ट है प्लस वीकली प्री का जो टेस्ट है उसको लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 4,000 रुपये पे करना होगा। तो ये एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर देते हैं। अब इसके लिए क्या करना, तो ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की डिटेल दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इस अमाउंट में अकाउंट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी वो हो डाउट हो तो आप ये दो नंबर दिए गए हैं, ये दो नंबर पे आप बात कर सकते हैं। इस नंबर पे आपकी बात जो होगी वो धीरेन्द्र चतुर्वेदी सर से बात हो जाएगी, है ना। तो आप धीरेन्द्र सर से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझसे बात कर सकते हैं अगर आपको इस प्रोग्राम से कोई भी डाउट हो तो। हम जब से जिस दिन से ये प्रोग्राम चालू करते हैं आखिर तक चलाते हैं, प्रतिदिन के आधार पे वहां पे टारगेट देते हैं, प्रतिदिन के आधार पे आपकी कॉपियों को चेक करते हैं, हर दिन डिस्कशन करते हैं, लेकिन लंबे समय तक आपको उसमें चलना होता है तो आपको अपने आप पे स्वयं पे विश्वास हो, साथ ही साथ आपको लगता है कि आप इस प्रोग्राम को बहुत
बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ये आपके सिलेबस को कवर करने में, ये आपके नोट्स बनाने में, साथ ही साथ आंसर राइटिंग को बेहतर करने में मददगार होगा। तो आप जरूर ही इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम अगर आप ज्वाइन करेंगे तो और भी आपको क्या हो जाएगा, बहुत बेहतर तरीके से मदद मिल जाएगी। तो ये आपकी जो चीजें हैं उनको आप कर सकते हो। बाकी आप लगातार तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, लगातार सफल होते रहिए। ये सभी को शुभकामनाएं हैं। हमेशा पढ़ाई कीजिए। दिक्कत क्या होता है एमबीपीएससी वाले एस्पिरेंट के साथ जो हम देख रहे हैं, वो केवल एग्जाम आने पर ही पढ़ाई करते हैं। देखिए, एग्जाम आने पर अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको सफलता मिलने में थोड़ी सी देर लगेगा। जब तक आप सही तरीके से, सिंसियर तरीके से अपने चीजों पर कमांड नहीं बनाओगे, तब तक आपको नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन का उत्तर हमेशा अपने आप से पूछना कि क्या आज एग्जाम हो जाए, प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाए, मेंस का एग्जाम हो जाए, आज प्रीलिम्स या मेंस का एग्जाम होता है, मैं 100% तैयार हूं। अगर आपको ये उत्तर ना में मिले तो आप मान लीजिए कि आप अभी पीएससी के लिए तैयार नहीं हुए हैं। आपको ये उत्तर हाँ में मिलेगा तभी आप पीएससी के लिए तैयार होंगे, उस दिन आपका चयन निश्चित तरीके से हो जाएगा। तो आपको जिस दिन ये उत्तर हाँ में मिलने लगे उस दिन आप इसको लिए कीजिए। उत्तर हाँ में कब मिलेगा, जब हम लगातार मेहनत करेंगे। तो सभी व्यक्ति सतत मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बेहतर कीजिए। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, पढ़ाई से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, आप मेरे व्यक्तिगत नंबर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, धीरेन्द्र सर से इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए।